और दूसरों की कुंडली तो आप देखते ही हैं, अगर मेरे बच्चे की भी। चलो समय बताओ, कौन से समय बच्चा पैदा हुआ? अभी निकालता हूँ, ये लीजिए। गलती हो गई। अरे बच्चा माँ जैसा है या बाप के जैसा? एकदम माँ पर गया स्वामी, एकदम माँ पर। तो फिर अच्छा ही होगा, समझा स्वामी? चल तू मेरे साथ चल। चलता हूँ चलता हूँ। अरे सुनो भाई, बच्चे के दाहिने हाथ में छह उंगली है क्या? हाँ स्वामी, आपने ठीक कहा, छह उंगली ही है। बच्चा बहुत भाग्यशाली है, देवताओं का आशीर्वाद है। बच्चा बहुत ही मेहनती, होनहार, ईमानदार, सही रास्ते पर चलने वाला, दूसरे इंसान की मदद करने वाला बनेगा। इसका नाम जहां में रोशन होगा, यशस्वी है। इसके माथे पे बहुत तेज है। इसका नाम शारदी रखो। ठीक है स्वामी। शारदी नाम से लोग तुलना करेंगे। शारदी जैसा भाई नहीं, शारदी जैसा दोस्त नहीं, पति नहीं, कोई नहीं। ये बच्चा इतनी अच्छी जिंदगी जिएगा, ये उसकी कुंडली बता रही है, तुम विश्वास करो। स्वामी आपने जो कहा भगवान का वचन है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। लेकिन जो कुछ भी कहा वो 27 वर्ष पूरे होने से पहले होगा, उसके बाद वो बच्चा तुम लोगों से दूर, बहुत दूर चला जाएगा। क्यों स्वामी? अच्छा अच्छा वो पढ़ लिख कर बाहर चला जाएगा कमाने के लिए? आप तो ठीक है, हमें कोई परवाह नहीं, वो कहीं भी रहे, बस खुशहाल रहे, खुशहाल रहे। गाड़ी निकालो। जी स्वामी। प्यार, शोहरत, इज्जत, शिक्षा दान, तूने बच्चे को सब कुछ दिया, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी कम क्यों दी भगवान? न जाने कितने ही बुरे लोग इस धरती पर बुरे कर्म करके 100-100 वर्ष तक जीते हैं, फिर इस बच्चे की उम्र सिर्फ 27 साल ही क्यों है भगवान? भगवान मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया ऐसा, क्यों किया भगवान, ऐसा क्यों किया? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
एक्सलेंट। अब यहाँ पर ये कुक सर्विस तुम लोग ही देते हो क्या? सारे काम हम लोग खुद ही करते हैं सर। आपका बिजनेस आवर क्या है? सर 3:30 बजे कॉलेज बंद हो जाता है, 5 बजे से 11 बजे तक रेस्टोरेंट खुलता है 6 घंटे। ओ, पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर लेते हो, MBA के स्टूडेंट हो ये साबित कर लिया। लेकिन तुम पहले से ही बिजनेसमैन हो, फिर इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालोगे? सर अगर 5 साल का बच्चा दिन के 8 सब्जेक्ट पढ़ सकता है तो हम तो 27 साल के इतने बड़े तो हैं कि ये जिम्मेदारी उठा सकें। That should be the spirit. ये स्टॉपवॉच किस लिए? सर आप इसे देखिए। इडली 5 मिनट्स, डोसा 10 मिनट्स, पोंगल 5 मिनट्स, स्पेशल डोसा 7 मिनट्स। कस्टमर को सब सही समय पर मिलना चाहिए, सबके सामने टाइम लिखा है क्या कितनी देर में आएगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा सर। गुड बिजनेस टैक्टिक्स हैं मास्टर जी। ये चाय लीजिए। गुड, तुम तो यहाँ के मालिक बन गए हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ का ओनर हूँ सर, लेकिन आप तो पूरे कॉलेज के मालिक हैं। चाय अच्छी बनी है। आप कब तक रेंट के हाउस में रहेंगे सर? आपके लिए घर होना चाहिए। हमारे पड़ोस की बिल्डिंग के 3rd ब्लॉक में एक मकान खाली है, वहां बात करता हूँ। ओके सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे। माँ तुमने दवा तो ले ली ना? हाँ खाई बेटा। सही समय पे ली होती तो दवाइयाँ कल ही खत्म हो जाती। अरे अरे मैं तो भूल गई बेटा। दवा के मामले में कभी भूल नहीं करनी चाहिए, ये लो। अरे एक बात बोलना भूल गई बेटा, गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है, जरा फोन करके बोल देना। डोंट वरी, कल फोन कर दिया था, आज दोपहर तक गैस आ जाएगी। फोन कर दिया? मेरे बताए बगैर तुम सारे काम कैसे कर लेते हो? मम्मी अब भाई को क्या समझती है, सिलेंडर में गैस कब खत्म होता है, बटुए में पैसे कब नहीं होते, ये सब उन्हें पता है। क्यों भैया? यस सिस्टर। थैंक यू। ये रोज 100 रुपए लेकर तू क्या करती है? मैं पत्ते खेलती हूँ। हाँ वही खेलती होगी। सारदी आंटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है मोटी? तुम तो पतली हो ना? नाराज क्यों होती हो सारदी? कैसा है तू? फर्स्ट क्लास, एकदम मजे में हूँ। लो इस साल का इंश्योरेंस का पैसा। सारदी मेरे लाइफ का जैसे इंश्योरेंस करके दिया है ना, मेरे चेहरे का भी कुछ वैसे करवा दो ना। जानते हो तुम्हारे अंकल मुझे रोज इसके लिए कुछ ना कुछ बहाना बताकर सताते रहते। ठीक है मैं अभी वापस आई, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। बाय आंटी, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग गणेश, कैसे हो तुम? क्या बताऊं आंटी, सब कुछ वैसा ही आ रहा है जा रहा है, कुछ लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। अम्मा आपने मुझे चाटा क्यों मारा, आज का पूरा दिन खराब कर दिया। तुम तो सारदी के साथ रहते हो फिर भी हर वक्त मुंह लटकाए रहते हो। देखो सारदी कैसे हंसता रहता है, सबसे हंस के मिलता है, हर समय खुश रहता है। और एक तुम हो, हर समय रोते रहते हो। तुम्हारी रोनी सूरत देखकर जा रही हूँ, हे भगवान मेरा काम बनेगा भी या नहीं, पता नहीं आज क्या होने वाला है, ना जरूरी काम है मेरा, पता नहीं क्या होने वाला है। जाना तेरा कोई काम सही नहीं होगा, तेरी शक्ल तो रोनी भी नहीं है मेरी, कम से कम वो तो है। हाय गणेश भैया कैसे हो? क्या बोलूं, ठीक ठाक, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सुपर, ओह झक्कास, बहुत बढ़िया, सुपर। चाबी ले जाकर गाड़ी स्टार्ट करो। वाकई में? आउट आउट। थैंक यू। क्या हुआ? ए, सारदी घर में है ना? लड़कियां तो सारी टकाटक होती हैं, फिर हमें ही क्यों नहीं मिलती? मम्मी जल्दी, मम्मी फोन रखो, चलो पहले खाना तो खाओ। सारदी तुम जो करे वो ठीक नहीं है। हाँ मुझ पे तरस नहीं आता क्या? पहले बैठो खाना खाते। चलो ना, उठो उठो। अरे पहले उसे खाना तो खाने दे, उसने कुछ भी नहीं खाया। नहीं मुझे नहीं खाना, इसे अभी मेरे साथ आना होगा, ये तो सिर्फ भूखा है, मेरा तो सर फटा जा रहा है। इसे फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए कहा था, डॉक्टर ने नंबर लिख के दिया, 4 दिन गुजर गए, इसने अब तक मेरे लिए फ्रेम सेलेक्ट नहीं किया, रोज रोज बहाना बनाकर टाल देता है। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसे मेरे साथ चलना होगा। अरे चलता चलता चलता। मम्मी फोन 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 लो। थैंक्स मामा। ए ए मेरा बैग बैग पकड़ इसे। सर ये सारे ओरिजिनल इंपोर्टेड फ्रेम है। थैंक यू आंटी, ये पगली रोज परेशान करती है। ये पगली है? हाँ हाँ अभी मेरी मम्मी का सताना बाकी है। ओके कम 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 कम। प्लीज सर, कैन आई कैरी ऑन? थैंक यू।
इसे उतारो, ये पहनो। सुपर फ्रेम। ये कैसा है? मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ठीक है। अरे इस फ्रेम में तुम एकदम जीनियस लगती हो। आंटी, हाँ, हाउ इज इट? इट्स फाइन सारदी, इसीलिए तो मैं तुझे बुलाती हूँ। हाँ, सर, या सर, ये फ्रेम ओके है, इसे पैक कर दीजिए। ओके आंटी, मैं चलता हूँ, 10 बजे अर्जेंट मीटिंग है। एक मिनट, इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। वाओ, तुमने रोज 10 बार एब्स करने कहा था, मैंने 20 बार किया। तुम्हारे अंकल मुझे पतली देखकर शॉक्ड हो गए। रोज बिफोर बेड करते हैं क्या? नाइट में करने से बेहतर होगा रोज सुबह किया कीजिए। हाँ, यही एक्सरसाइज का करेक्ट टाइम है। पता है कल क्या हुआ? कल तुम्हारी आंटी मिरर के सामने खड़ी होकर रो रही थी। वो क्यों? देखो मेरे चेहरे पर काला धब्बा आ गया है। कल तो पड़ोस की आंटी जो है ना, वो भी मुझसे यही कह रही थी। और तुम जरा पीछे देखो ना। डोंट वरी, ऐसा विटामिन्स की कमी से होता है। मैं घर पर आकर आपको कुछ दे देता हूँ, फिर कोई चिंता मत कीजिए। अभी मैं चलता हूँ। ओके आंटी, सुजी बाय। थैंक यू सो मच मम्मी, आई एम हैप्पी। आई एम आल्सो हैप्पी। शारदी तो शारदी है, अपने समय पे आ गया। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रिंसिपल से मिलकर अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, आप चुपचाप क्यों खड़े, यहाँ पर आइए ना। ये एडवांस अपने पास रखो, बाद में लूंगा। अरे क्या आंटी, मिट्टी की जांच कर रही है क्या? हाँ बेटा, मिट्टी ही जांच कर रही हूँ। 20 साल से जो सपना था कि यहाँ जमीन खरीदूंगी, आज वो पूरा होने वाला है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, ये जगह सिटी का हार्ट बन जाएगी सर। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सबको जल्दी ही यहाँ पर बनने वाला है सर, और पॉल्यूशन भी नहीं होगा सर। खरीद लीजिए सर, फायदे में रहेंगे, बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा सर। तुमने बोला तो ठीक होगा, चलो खरीद लेता हूँ। आइए सर। शेखर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम। और बताइए सर कैसा हाल है? शेठ जी यही है वो शारदी, इन्होंने ये जगह का डील किया है। अच्छा अच्छा, प्रभात जी प्लॉट के मालिक। नमस्कार। नमस्ते जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे भी, बैठिए। टोकन देकर एग्रीमेंट बनाया जाएगा। गणेश सबको बुलाओ। ये लीजिए, पूरे 60 लाख रुपए है। देखिए सर, सबके साइन लेकर एग्रीमेंट दे दीजिए, 27 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ठीक है, रख लेंगे। ये लो तुम्हारा कमीशन। थैंक यू सर। सर एग्रीमेंट सर, जानते हो ये जमीन हमें शारदी की वजह से मिल रहा है, वरना इतना सस्ता जमीन हमें कहाँ मिलता। सही बोल रहे तुम। सर लगे हाथ एक और बिजनेस कर लेते हैं। क्या बिजनेस? आपके घर में कितने बच्चे हैं? लड़का एक लड़की है। चलिए नाम बताइए, उनका इंश्योरेंस कर देते हैं। क्या बात है, पहले से करा रखा है क्या? करा लिया। शायद तुम्हें नहीं पता है क्योंकि मैं भी एक LIC एजेंट ही हूँ। मैं भी ग्रेट हूँ। शारदी तो शारदी ही है, तुम तो एक एजेंट ही हो ना। ये पकड़ शारदी सर। हाँ बोलो सर। कितना कमीशन हुआ? सर सेठ का बिजनेस करता हूँ, आप लोगों की सर्विस करता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए सर। तुम खुश रहो, मैं भी खुश हूँ। 103 धनलक्ष्मी नगर की जगह आपको मिल जाएगी ना सर, तभी मुझे संतोष मिलेगा। और बताओ कैसे हो भाई? ठीक हूँ भाई। अभी समंदर से आ रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग? तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये देखो, तुम लोगों के लिए कंप्यूटर आ गया है। कितना अच्छा है। ये देखो, ये देखो। हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हमें चाहिए। हाँ वो दिखाओ। कौन है ये बच्ची, क्यों छुप छुप कर क्यों देख रही हो? क्या शारदी भैया मुझे भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगे? ले 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 ले। तो ये छोटी बच्ची पढ़ाई करना चाहती है। डोंट वरी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम भी अगले साल यूनिफॉर्म पहनकर बैग लेकर स्कूल जाओगी। हाँ ओके, सच में प्रॉमिस। तुम्हारी 6 उंगलियां क्यों हैं? ये है अंगूठा, हमेशा सच बोलने के लिए, कैसे भी हालात हो सच बोलने से नहीं डरना। ये है पहली उंगली, इसका मतलब हमेशा ध्यान से पढ़ाई करना। ये दूसरी उंगली, ये सिखाती है कि सही रास्ते पर चलकर सबसे आगे बढ़ो। ये तीसरी उंगली, बड़े बूढ़ों और लाचार लोगों की मदद करने के लिए। और ये चौथी उंगली,
ये सिखाती है कि अच्छे के लिए अच्छा बनो और बुरे को उसकी बुराई की सजा दो। और ये चार दी स्पेशल, मतलब मैं स्पेशल हूँ इसलिए मुझे स्पेशल काम करने, यही मैं करता भी, यानी हमेशा दूसरों की भलाई, वो भी सही रास्ते पर चलकर। ओके ये सुजी बोलो, सोई नहीं क्या? नहीं नहीं, टीवी म्यूजिक बोर करने लगे, लेकिन तुम तो 24 आवर्स सर्विस देते हो ना, इसीलिए तुम्हें फोन किया। सुनो जरा होल्ड करो। क्यों? दूसरी लाइन पर कोई है। अरे यार दूसरी लाइन पे क्यों डाला? बोलिए सर। मैं चेस में अपनी बीवी से चार गेम हार चुका हूँ। सारदी तुम्हारे पास में चेस के 3 ट्रिक्स है ना, वो बताओ ना। ओके सर एक काम कीजिए, वजीर को 4 घर आगे ले जाइए। ठीक है। और उसके बाद सिपाही को आगे लेकर जाएंगे तो चेक मेट हो जाएगा सर। गेम ओवर। तुम ब्रिलियंट हो। जल्दी लाइन पे आओ ना। हाँ सर जी बोलो। कितना टाइम होल्ड पे रखते हो? एक कपल को कुछ परेशानी थी, मैंने ठीक कर दी। क्या बात है, कपल्स की परेशानी दूर करते हो। तुम क्या लव गुरु हो क्या? चुप रहो सोची, कुछ भी बोलती हो। अच्छा अच्छा ठीक है, आज मैं बोटानिकल गार्डन गई थी। ठीक है। वहाँ से गुलाब का पौधा लेकर आई जिसमें 5 कलर निखर कर आते हैं। हाँ हाइब्रिड रोज है, छांव में नहीं धूप में रखते हैं, सनलाइट इसके लिए जरूरी है ताकि इसके 5 रंग निखर के दिख सके। ए, तुम्हें सब कुछ कैसे पता? और कुछ नहीं, तुम बस बातें करते रहो, मुझे नींद आ जाएगी। ये बात है, तुम्हें सुलाने के लिए मैं बिल क्यों भरूं? पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा कैसे तुम्हें पालते हैं। हे अभी कौन सा अलार्म बज रहा है? सोने के लिए अलार्म लगाया है। लोग तो जागने के लिए अलार्म लगाते हैं और तुम सोने के लिए अलार्म लगा के रखे हो। गुड नाइट, अब फोन रख दो। आई एम द विनर, मैं ही चैंपियन हूँ। ये आई डिड इट। हाय हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तुम यही रुको, मैं एक मिनट में आती हूँ। हाँ क्यों लेट हो रहा है, काम क्यों नहीं हुआ? ए तुम 2 दिन से कहाँ थी? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। ओके ठीक है ठीक है। सारदी मेरी मदद करोगे? थैंक यू। केरला से एक लड़की आई है जो मुझे कैरम में बहुत सारे गेम हरा चुकी है। हुँ? सुनो ना, एक बार उसे गेम में हरा कर उसका घमंड तोड़ दो ना, प्लीज प्लीज। चलो ना चलो ना, इससे कोई काम नहीं। चलो हे, अब इससे जीत कर दिखाओ। हाय आई एम शारदी। हाय आई एम जया, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। चलो बैठो, जल्दी बैठो। मैंने अपने जॉब के लिए तुमसे कहा था, सूची ने बताया नहीं। हे जॉब की बात बाद में, पहले गेम। ठीक है तुम शुरू करो। नो नो, मेरे पास जब स्ट्राइकर आएगा तो गेम हो जाएगा, तुम स्टार्ट करो। ओके। हेलो क्या है ये? मैं रेस्टोरेंट में हूँ। अच्छा ये जल्दी बोलो। दादा का निकालना है, कंफर्म होगा कि नहीं बोलो। जर्नी की डेट बताओ। ये क्या बात है, यानी इसी संडे को ना? चिंता मत करो मैं कंफर्म करके भेजता हूँ। हाय ए मनोज संभाल के जाओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है रे? लगता है इसके पीछे भी आंखें हैं। स्वीट गाय। अब तेरा हारना तय है, तू तो गई काम से। अब बच के दिखा। ओह गॉड, ये क्या कर दिया? फर्स्ट टाइम हार गए। जानबूझकर हारे हो ना? नहीं तो तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, हमेशा फर्स्ट मीटिंग स्मूथ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो आगे से कभी भी मिलेंगे तो एक दूसरे से मिलकर खुशी नहीं होगी, इसलिए एक दूसरे को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। ओके मैंने भी तो यही किया। बाय। एक्सक्यूज मी, मैंने तो बताया ही नहीं मैं फोटोग्राफी करती हूँ। जॉब चाहिए यही ना? ठीक है मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। ओके ओके थैंक यू। बाय बाय। क्या हुआ सुची, बहुत गुस्से में लगती हो, ठंडा पिएगी? सुची क्या तुम शादी से प्यार करती हो? तेरे गले में उसके नाम का लॉकेट है। तुम जीजे से प्यार करती हो क्या?
ठीक वैसे ही जैसे जीजस तुम्हारे लिए है वैसे सारथी मेरे लिए है। यू नो वो सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है बट ऑल्सो माई फिलोसोफर वेलविशर गाइड और वो तेरा लवर नहीं है। गुड ठीक है मतलब क्योंकि मैं सारदी से प्यार करना चाहती हूँ। हंस रही है तुमसे नहीं होगा उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है। सारदी को पटाना बहुत मुश्किल है इम्पॉसिबल ये काम तुम्हारे बस का नहीं है जाओ जाओ कोई और ढूंढो। ठीक है तुम देखती रहो अब मेरा काम सिर्फ सारदी से प्यार करना ही होगा। तुम देखना 3 महीने के अंदर सारदी मेरे पीछे लट्टू की तरह नाचता नजर आएगा। विश्वास ना हो तो शर्त लगाते हैं देखना मैं ही जीतूंगी। ओ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एंड इफेक्टिव ऑर्गन सेक्शन। हेलो बोलो। ए कौन बात कर रहा है तुम लोग क्लास में हो ना कोई मैनर्स है कि नहीं। नॉनसेंस छे मनोज हाँ बाहर जाकर बात करो। मेरा भाई बिजी मैन बिजनेसमैन फिर भी ये क्लास में फोन बंद करके रखता है और तू क्लास में फोन ऑन रखता है। अरे है। कोई सुंदर लड़की से बात करता तो ठीक था लेकिन वो तो एक चाय वाली है उससे बात करने पर स्मार्ट बनता है अपने आप को क्या समझता है चले आते कहां कहां से पागल कहीं का। ये तो कभी कभी क्लास में आता है और बहाना बनाकर चला जाता है। एक्सक्यूज मी मैडम Myself? मनोज जैसे लड़के क्या मैडम ऐसे लोगों की तो बात ही मत पूछिए फोन कान से लगा लिया तो 4 बात करने में पूरा दिल लगा देगा। हाँ बोलो अब बोलो कैसी हो भूल गई क्या। ऐसे ही दिन भर टाइम पास करते रहेंगे काम कुछ नहीं करेंगे अगर ऐसे लोगों के साथ रहे तो हम भी दीवाने हो जाएंगे। कौन सी किताब पढ़ रही हो। सम्मोहन की किताब पढ़ रही हूँ। आई मीन सारदी स्ट्रॉन्ग है किसी के बस में आने वाला नहीं है। सारदी ऐसा वैसा नहीं है। वो देखो सारदी आ गया मैं उसके हॉर्न से ही समझ जाती हूँ। सिर्फ हॉर्न की साउंड ना मुझे तो उसके दिल के साउंड भी सुनाई देते हैं। आई बड़ी तुझे पता है वो यहाँ क्यों आ रहा है। क्यों मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तुमसे नहीं वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं छुप जाती हूँ। सारथी जब अंदर आएगा तब देखना तुझे सिर्फ हाय कहेगा फिर मुझे ही ढूंढने की कोशिश करेगा। हाय सुची कैसी हो अकेली क्यों बैठी हो तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। कौन वही जो केरला से आई है अपने आप को स्मार्ट समझती है। तुम मेरे घर आके उसको पूछ रहे हो। अरे सुची तुम दोनों अच्छी दोस्त हो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ ना। ये गलत भी नहीं है सारथी। हाय जो आओ। Hi. How are you? I'm good. इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Thanks. Super hit. तुम इतने गुस्से में क्यों? सारदी, अंदर आ इधर तो आओ। आंटी, अभी आया। सुची, मैंने जो कहा वो सच हुआ ना? आंटी, मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों? वादा किया था ना मेरे घर आकर मुझे कुछ दोगे? सारदी, जो वादा करता है, उसे निभाता भी है। सुची एक और बात सच होने वाली है। क्या जब हम डाइनिंग टेबल पर होंगे ना हाँ तो क्या होगा तो शादी यही गाना गाने वाला है देखना। शादी है ना जिसमें 5 लाख गाने होंगे क्या तुझे यही गाना गाना था अभी। क्यों सुची तुम्हें ये गाना पसंद नहीं है क्या। ओहो फिर तो तुम्हारा टेस्ट ही गलत है। सुपर्ब सॉन्ग करेक्ट। अच्छा जगह कल तुम क्या करने वाली हो। कल तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ तुम जहाँ बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। ओके तो एक काम के लिए हम दोनों कल एक जगह पर चलेंगे जहाँ पर मैं और जया इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ऐसी क्या जरूरत है। वाओ सारदी इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस। हाँ कम ऑन जया वो सामने घर देख रही है ना वो हमारा ही घर है। योर गेस्ट हाउस। चाहो तो गेस्ट हाउस कह सकती हो पहले अपनी माँ बहन के साथ यहीं रहता था इसके बाद मेरी माँ मुझे लेकर मद्रास चली गई थी तब से ये घर खाली पड़ा है। नमस्ते माँ जी। सारदी तब तुम मछली पकड़ने जाते थे। हाँ जब भी मुझे टाइम मिलता था अपने दोस्तों को साथ लेकर मछली पकड़ने जाता था। आओ कैसे हो भाई। हाँ
ये है जया, माय फ्रेंड जया, ये मेरा दोस्त लॉरेंस है, ये बचपन से ही मेरा दोस्त है। हाय, नाइस टू मीट यू। मेरे हाथ अभी गंदे हैं। आई डोंट माइंड। हाय। मछलियों को उतार दिया क्या? हाँ, उतार दिया। ओके। तुम क्या करते हो? फिश कैचिंग टेक्नोलॉजी। असल में मैं मछलियां पकड़ने का काम करता हूँ, बस यही काम करता हूँ मैं। ए लॉरेंस, तू हम लोगों का धंधा क्यों खराब करता है, समझता नहीं क्या? हम 25 रुपए किलो बेच रहे हैं और तू 20 रुपए किलो बेच रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। ए, चल तू हट, जा तो निकल। देखो भाई, जो मार्केट रेट है मैं उसी रेट से बेच रहा हूँ, मुझे लालच नहीं है। लालच नहीं है, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाना समझ रहा है। कोई कमाएगा क्या? आगे से अगर तू रेट गिराकर मछली बेचा ना, तो तुझे टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक दूंगा, समझा क्या? क्या चल हाथ हटा, धमकी देता है। देखो भाई, ये हम लोगों का आपस का मामला है, तू इसमें बीच में मत आ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, समझा? ये समुद्र में मछली पकड़ने का धंधा मेरे लिए नया नहीं है और लड़ाई झगड़ा भी नया नहीं है। इस ड्रेस को देखकर क्या समझता है कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता? ये मेरा भाई है, चुपचाप निकल ले। तू साइड हो जा, नहीं तो। तू क्या देख रहा है, चल फट। तूने मेरे पे हाथ उठाया, तू रुक यहां पर, तूने मेरे पे हाथ उठाया, भाई को बोलूंगा अभी। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, बहुत बुरा किया तुमने, रुक अभी बताता हूँ तुझे। एक आदमी, दो, तीन, जितनों को बुलाना है बुला ला, मैं तुझे यही मिलूंगा। चल चल। क्या हुआ सर्दी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेल रहा था। तुम इन लोगों से मत उलझो, हमारा नुकसान हो जाएगा, मत उलझो इनसे। डरो मत माँ जी, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। अगर इंसानियत है तो चोर दुश्मन और गद्दार को देखकर गुस्सा आना ही चाहिए। बुराई को सहना सबसे बड़ा पाप है। ए, कौन है? यही है वो भाई, इसने ही मारा है। अब तुझे पता चलेगा दादागिरी क्या होता है। मारो भाई इसको, मारो। क्यों रे, तू अपने आप को एरिया का दादा समझता है क्या? अरे भागो, अरे भागो, भागो, चलो भागो। What a powerful hand. रुक, रुक, भागो, भागो, ये तो पीछे पड़ गया, चलो, भागो, भागो। सॉरी, सॉरी, मैंने मिस कर दिया। You want one more? Yes. लड़की बोल रही है ना, चल शुरू हो जा। अरे भाई मैं मर जाऊंगा, लड़की बोली इसका क्या मतलब? जितना कहा है सिर्फ उतना सुन बेटा।
मुंह साफ कर, यहाँ देख, चल फोटो ले, आजा 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 आजा, चल दौड़। एक्शन। वाह वाह, क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, एक बार हम लोगों के लिए प्लीज, सिर्फ एक बार। ए हट हट हट। हे गणेश, हम लोगों ने तो ड्रेस भी चेंज कर ली, तुमने अभी तक यूनिफॉर्म क्यों चेंज नहीं किया? क्या परफेक्शन, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, सब कुछ चेंज में, जब भाई मेरे लिए वेट करते हैं तो मैं क्यों चेंज करूं? हाय 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 हाय, आया भाई, नमस्ते नमस्ते भाई। इस महीने का प्रॉफिट करेक्ट है कि नहीं देखो? ये सब देखने के लिए मैं हूँ क्या? मैं क्या अकाउंटेंट हूँ? बस तुमने देख लिया ना? ओके, अब इसे बंद कर दो, करो करो बंद ले। संभाल के, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं इसे संभाल के निकालूंगा। ओके, सी यू टुमारो, बाय। ए राजू। हाँ आयशु। हाय सूची। लव लेटर देखा होगा, लव सीन देखा होगा, लव सॉन्ग सुना होगा, मैं तुझे लव फाइट दिखाती हूँ। हाँ ये देख, ये क्या, शारदी इन लोगों से झगड़ा क्यों कर रहा है? ओहो सूची, मुझे छेड़ने वालों को शारदी मार रहा है। सच में? अगर डाउट है तो शारदी से जाके पूछ। हे शारदी, कल तुम किससे झगड़ा कर रहे थे? हाँ कल किया था, क्यों? आजकल तो बहुत बिगड़ गया। शारदी ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, हम भी वेस्टर्न डांस करते हैं। शारदी टपोरी, वेस्टर्न टपोरी, वेस्टर्न टपोरी। गणेश क्या हुआ बताना यार, मैं क्या करूं? तो ठीक है गाओ ना। आंटी शादी, इसने ऐसा क्यों किया? वो चाहे कितने भी बड़े बाप की बेटी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिछले साल तो उसने शादी के लिए वादा किया था, लेकिन उसने बॉयफ्रेंड ही बदल लिया। मैं क्या करता सूजी, यही सोचकर मैं आत्महत्या करने जा रहा था, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। चुप रहो सूची, अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है, लेकिन देखो एक लड़की से हार मान ली। और तू क्या समझता है, तेरे लिए मैं भी औरों की तरह सहानुभूति दिखाऊंगा? और उसने तो मेरे साथ क्या हो सही है, तू क्या करेगा उसके लिए, अपनी जान दे देगा? जिंदगी तेरे लिए इतनी सस्ती है? और बेटा एक बार जान जाने के बाद वापस नहीं आती, ध्यान रखना ये बात। इन छोटी छोटी बातों के लिए जिंदगी से खेलना तुम क्या समझते हो, बहुत बड़ी बहादुरी का काम है? जान देने के बाद भी लड़की तुमसे प्यार करेगी, इस बात की क्या गारंटी? खुद पे भरोसा करो, खुद से प्यार करो, कुछ करके दिखाओ, लड़की खुद तुम्हारे पास आएगी। अरे दुनिया में सब कुछ प्यार ही है क्या? ये प्यार करता है, ये प्यार करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस प्यार की कोई कीमत नहीं, मरने चला है किसी एक के प्यार के लिए, हर जगह प्यार फैला है, लेकिन तू समझने को तैयार ही नहीं है। दूंगा ही, मरने के लिए चला है, पैरों में दम है, तेरे सीने में हिम्मत है, कुछ करके दिखा, वरना मैं जहर का नाम बताता हूँ, नीचे के स्टोर से लाकर खा और मर जा। कम से कम तेरे माँ बाप तो शांति से जिएंगे, जिसके लिए मर रहा है उसे भी यकीन आ जाएगा, वो तेरे साथ मर जाएगी। कम से कम रोज रोज के लफड़े से तो बच जाएंगे हम। सूची में जा रहा हूँ, रुको, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे जीतना है, मुझ पर भरोसा रखो, मेरा यकीन करो। गुड। माँ बोल बेटा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, आज बहुत खुश हो, क्या बात है? हाय, ये मिठाई लीजिए। हाँ घर में तो सब कुशल मंगल। हाँ, है ना? बिल्कुल ठीक है। आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये लो, तुम भी मिठाई लो। थैंक्स। ड्रेस अच्छा है? शारदी ने ही दिलाया है। अच्छी है। कहाँ है वो? एग्जाम चल रहे हैं ना, तो पढ़ाई कर रहा है। तू बैठ, में कॉफी लाती हूँ, हट जरा।
विश यू हैप्पी बर्थडे। बस इतना ही क्या? थैंक्स। हाय लॉरेंस, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चर्च गया था क्या? हाँ, सुबह जाकर आया हूँ। हाँ। ये मिठाई लो ना। अपने पेरेंट्स को डिनर पे क्यों नहीं ले जाता? हाँ, ठीक है। भैया, ड्रेस सिलेक्शन बहुत अच्छा है। ये बात है, तो ये सब तुम ही रख लो। भैया। भाई, एक सेकंड हैंड गाड़ी देखिए, बर्थडे में खरीद लूं? ठीक है, आप देख लो ना। गाड़ी कहाँ है? बाहर खड़ी है। तो चल देखा ना, ये ले। हाँ। कौन सा मॉडल है? 98 मॉडल। टायर तो नए है लेकिन इंजन थोड़ा पुराना लगता है। 18 में देता है तो ले लो, कम करता है तो हम प्रॉफिट में, ज्यादा मांगता है तो गाड़ी वाला। फिर भी सब कुछ बराबर चेक कर लेना। ब्लैक मनी। बहुत खुश लग रहे हो, खाना खा लिया? भैया इनको कहो ना कॉलेज तक छोड़ दे, लेट हो रही हूँ। लॉरेंस तुम्हें रास्ते में कॉलेज छोड़ देगा। जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, मैं वहीं से घर चला जाऊंगा। बाय बाय। पिछले साल की तरह इस बार भी 100% रिजल्ट आएगा क्या? 100%। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद सर। उठ जाओ सिक्स, गॉड ब्लेस यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्राइज में तुम्हारा है 14वां पेन। नहीं सर, दो पेन दो पेंसिल। दैट्स गुड, गुड लक। थैंक यू सर। गुड लक। थैंक यू। बाय। ब्रिलियंट स्टूडेंट। यस यस। पहले खाना खा लो। खाली पेट एग्जाम में जाओगी तो आंसर्स नहीं भूख याद आएगी। ए, पानी पी लो, हिचकी रुक जाएगी। हाँ रुक तो जाएगी लेकिन मुझे रोकनी नहीं है। क्यों? क्योंकि शादी मुझे याद कर रहा है, इसलिए तो हिचकी आ रही है, इसे क्यों रोकूं? ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी तो मंदिर गया हुआ है, भगवान को छोड़कर वो तुझे क्यों याद करेगा? हाय जया, व्हाट अ सरप्राइज, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था और तुम यहाँ हो। और हाँ जया, जल्दी से अपना बायोडाटा मुझे मेल कर देना शाम तक। ओके। और सुची तुम भी आई हो? अच्छा मैं चलता हूँ। गुड लक शारदी। थैंक्स। देखा शारदी आया, मेरी हिचकी गायब। उसको क्यों चाहिए तेरा बायोडाटा? कुंडली देखने के लिए। हाँ? बायोडाटा देख कर बर्थ डेट मालूम करेगा, बर्थ डेट से कुंडली मिलाएगा, फिर शादी तय करेगा। शादी से लेकर हनीमून तक अभी से प्लान कर चुका है। ये सब कैसे हुआ देख रही है ना सूची? मैं कहाँ से आई हूँ? केरला से। वहाँ क्या क्या फेमस है? मामूटी, मोहनलाल, नारियल, लड़कियाँ, पढ़ाई, कथकली और सुंदर श्रृंगार। पागल, ऐसे क्यों घूर रही हो? वो मुझ पे लट्टू हो गया है, मुझ पे फिदा हो गया है, सिर्फ मेरे बारे में सोचता है। मैंने थोड़ी सी लिफ्ट दी तो बात इतनी बढ़ गई, अगर ज्यादा किया होता तो न जाने और क्या क्या होता था मेरी और साथी के साथ। और क्या होता? सर 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 सर, मैं लॉरेंस हूँ सर, शारदी, मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे शारदी से अर्जेंट मिलना है। देखो अभी शारदी का एग्जाम चल रहा है, वेट करना पड़ेगा। सर पेपर। अरे देख के चलो। सॉरी सॉरी। हाय हाय शारदी। हाय। हे मिशेल। हाय। कल तूने फोन किया था क्या? सॉरी यार। हे तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बात है? हे कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बता ना, अरे बोलता क्यों नहीं? भाई वो शेखर हमसे प्यार से बात करके हमें चीट करके चला गया। अरे 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 संभाल के। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। क्या करो?
भाई संभल के। नंबर 3 धनलक्ष्मी नगर, जिस दिन आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा उस दिन मुझे संतोष मिलेगा। कमीने लोग, एक ही जमीन का 2 बार सौदा कर दिया। दुआ देख, उधर दुआ। शेखर, ए शेखर, ए कौन हो तुम? कहाँ है तेरा पति? उन्हें जानते हो ना? वो तो 8 बजे ही कहीं बाहर चले गए। वो कमीना गायब है। बोल कहाँ है शिखर? मुझे नहीं पता सर, मैं नया हूँ। ए सुन, भाई की दुकान में आकर के दादागिरी कर रहा है, समझता क्या आप लोगों? ए कौन है तू? भाई की दुकान में आकर दादागिरी करता है? ए सर, और क्या चाहिए? जान चाहिए, देगा क्या? चल। पांडी बोल रहा हूँ। कुछ खुशखबरी दो। बोल, रवि को मार दिया। शंभो शम। ना समझ, गलती करने जा रहा था। रेड्डी के पास जो करोड़ों रुपए है उनकी कंप्लेन करने जा रहा था। भरोसा मुझे दिखा और दुश्मनी बाहर की, लेकिन ये कमीना तो कुछ उल्टा ही करने जा रहा था। रेड्डी यार, सब कुछ है, सारा पैसा लेकर सेठ मुंबई भाग गया। तुम लोग तो सिर्फ एडवांस दिए हो, और बहुत से लोग तो पूरी कीमत देकर लूट गए हैं। बड़े बड़े ऑफिसर में रेडियार की पहुंच है। ऑफिसर को बहुत ही आसानी से रेडियार खरीद सकता है। जैसा मेरे साथ किया, रेडियार के साथ मत करना, वरना वो बहुत बुरा इंसान है। चलो तार, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहा हूं, ऐसा मत करना। नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते जी, बोली। हाँ नमस्ते सर। बहुत जरूरी है। साहब ने अंदर बुलाया है। इसने दुकान का सब तोड़ दिया। ये मत कहना कि उस जगह के बारे में नहीं पता। ये भी मत कहना कि सेठ के बारे में कुछ नहीं जानता, वरना तू भी। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। अब क्या करना है तुम्हें? या तो जमीन दो या पैसा वापस करो, वो भी अभी। ये लो पैसा, लेकर जाओ। आज तो अच्छा दिन है। मेरे हाथों से पैसा लोगे तो करोड़पति बन जाओगे। पहले भी तुम्हें 1.5 करोड़ कमीशन दिया था, और अब मैं 3.5 करोड़ दे रहा हूँ। पूरे 5 हो गए। ये पैसा लो और खुशी मनाओ। ऊटी जाकर मेरे गेस्ट हाउस में पूरे 3 महीना ऐश करना,
फिर इस 3 महीनों में मैं उन सारे लोगों को ढूंढ निकालता हूँ। हाँ, वो क्या? 3 महीने के बाद आ जाओ, फिर देखते हैं कि आगे बिजनेस कैसे किया जाएगा। हम एक जगह एक को बेचा तो बिजनेस हुआ, वही अगर 10 को फिराया तो ये दिमाग का खेल हुआ। ये लो, इन पैसों को रखो और दिमाग वाला बनो। तूने मुझे क्या शेखर या सेठ समझ के रखा है? मैं शारदी हूं। जो पैसों को इज्जत देना नहीं जानता उसे मेरे पास लेकर क्यों आया? रेडियर, मुझे पूरे 60 लाख चाहिए, नहीं तो क्या कर लेगा? कोर्ट में केस करेगा, पूरे शहर में पोस्टर लगवाकर तू मेरी बदनामी कराएगा। अरे जा, तू तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। तू अपनी चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, समझ गया ना? चीटिंग? शारदी से चीटिंग करेगा? शारदी क्या बहुत बड़ा तोप है? और मैं क्या हूँ पता है? बताओ। ऐसा मत बोलो शारदी, मुझे लोग भगवान कहते हैं। ए, भगवान होगा दूसरों के लिए, शारदी के लिए कुछ नहीं है। ए, तू मेरे घर में खड़ा है, ज्यादा बोलोगे काट दिए जाओगे। ए पासवान, मैं अच्छे लोगों के लिए शारदी हूं और बुरों के लिए यमराज हूं। मैं यमराज, मुझे 60 लाख रुपए चाहिए और वो तू देगा। अच्छा, भाई हमें एक काम करना चाहिए, पुलिस से बात करते हैं, उसे अंदर लेकर सुधारेगा। ए, तुझे मालूम है वो एक नंबर का कमीना है, लीगली हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई किसी मिनिस्टर से बात करते हैं, हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। नहीं भाई, मिनिस्टर के पास जाने से कोई फायदा नहीं। भाई वो सब लोग आए हैं जो खरीददार हैं। मैं आपका गुनहगार हूं, गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। पर चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, वादा करता हूं कि आपका पैसा वापस ला कर दूं। हाँ शारदी, हम लोगों का तुम पर भरोसा है, तुम अभी पैसा दो या 6 महीने बाद दो, लेकिन शारदी याद रखो ये रकम तुम्हें वापस देनी ही होगी। हम तुम्हारे साथ हैं, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर हमारा घरों वो सपना था, मेहनत करके रात दिन एक करके हमने वो पैसे कमाए थे जो लूट गए, पर सपना नहीं टूटा, हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि हमें तुम पर भरोसा है, हमें तुम पर भरोसा है, हम सब तेरे साथ हैं। तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं सर, अगर आप लोग मुझे पकड़कर मारते तो भी मुझे बुरा नहीं लगता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप लोगों का भरोसा मुझ पर, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, कल सुबह तक आप लोगों का पैसा वापस मिल जाएगा। भरोसा करने वाले पर तो मैं अपनी जान भी लुटा सकता हूं। भैया इधर आओ,
क्या है भाई? उधर जाके जनरेटर ऑन करो, जल्दी करो जाओ। ठीक है। कुत्ते का मांस दिखाकर ही कुत्ते को पकड़ता हूं, ये ले। आजा। अभी ऑन नहीं किया क्या? जल्दी करो यार। तुम यहीं पर रुको। ठीक है, आओ चलो। अरे मेरे इलाके में तूने कदम कैसे रखा? स्विमिंग पूल खाली करो। इसमें 60 लाख निकाल लो। यहां वहां मत देख, पैसा निकाल फटाफट। चल। हाँ, चलो। क्यों गिरा दिया? हमें जितना चाहिए उतना ही लेंगे, बाकी यहीं पर रख दो। अरे भाई, अच्छे आदमी के साथ अच्छा ही करो, लेकिन गलत आदमी के साथ तो गलत ही पेश आओ ना। अमीर से लेकर भिखारी तक से मैं कर्ज ले चुका हूँ, कम से कम वो कर्ज तो चुका। चुप, चल रख। अरे भाई, कम से कम सिगरेट के लिए तो लेने दे, नहीं तो 100, 50, 20, 10 कुछ तो लेने दे यार, क्या कर रहा है?
60 लाख की चोरी करके यहाँ पर तपस्या कर रहा है, मुझसे लड़ेगा? रेड्डी से लड़ेगा क्या तू? चिल्ला मत रेड्डी, तू कुछ नहीं कर सकता। रेड्डी यार, मुझे अच्छी तरह पता था कि तू यहां आएगा। ये ले, ये रहा तेरा 1.5 कमीशन। ऊटी चला जा और वहां जाकर अपने गेस्ट हाउस में 3 महीने तक आराम कर। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आग में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा ही। तूने दूसरों के साथ गलत किया, मैंने तेरे साथ किया, बराबर हिसाब बराबर। मैंने कहा था ना रेडियार, शारदी टूट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। मेरी जिंदगी का एक ही उसूल है, जीतना। अरे रेडियार, मेरे अंदर तुम्हें अपनी सूरत दिखाई देगी। मैं एक आईने की तरह हूं, मुझे दोस्त समझो तो दोस्त हूं, दुश्मन समझो तो बहुत बड़ा दुश्मन हूं। शारदी के साथ अगर बुरा करोगे तो पछताओगे, क्योंकि शारदी बुरों के लिए बहुत बुरा है। समझा? अरे मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं रे, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती है मुझे, बस दूसरों की जन्मतिथि ही मालूम रहती है। और तू अच्छी तरह से सुन ले, तेरा नाम शारदी है, तेरी उम्र 26 है, तेरी जिंदगी का खतरा है, समझा? तू 27 की उम्र में ही मरने वाला है, वो भी रेडियार के हाथों से ही मरने वाला है। तेरी लाश को दफनाऊं या जलाऊं, ये तो अब तुझे ही फैसला करना होगा। शारदी बोलो, तू मरेगा, अब तू जरूर मरेगा। मुझे बाद में मारना रेडियार, पहले तो तू घर जा और अपनी जान बचा ले। इनकम टैक्स वाले पहुंच गए होंगे, अगर तू उनसे बच जाए तो मुझे मार देना, मर जाऊंगा। ए रेड्डी कहाँ है? पता नहीं सर। रेड्डी यार, तूने शादी की छठी उंगली को देखा और उसके छठे दिमाग को भी देख लिया, आगे से उलझोगे तो सातवां दिमाग भी देख लोगे, जो सिर्फ मेरे पास है। ये अच्छी क्वालिटी का है मैडम। नमस्कार, आज की मुख्य खबरें। चेन्नई में मिस्टर रेडियार के घर इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा, उनके घर से 60 करोड़ रुपए बरामद किए गए जो अवैध थे। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना पैसा देखा है। दिल्ली हेडक्वार्टर में इतनी रकम सुनकर सभी हैरान हैं। तुम अकेले रहते हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इतना पैसा लेकर तुम क्या करोगे? लगता है तुम्हें कुछ हो गया है, तुम पैसे के पीछे पागल हो गए हो, ऐसा किस लिए करते हो तुम? अरे मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ हो गया है, तुम पैसे के पीछे पागल हो गए हो, तुम्हें किसी साइट्रिक के पास ले जाना होगा। हमें तुम्हारे बारे में एक देशभक्त ने बताया कि तुमने लोगों का पैसा हड़प लिया है, और हो सकता है कि जेल से आने के बाद तुम सुधर जाओ। रेस्टोरेंट के मालिक बनाने के बदले में तूने मुझे आटा पिसवाने में लगा दिया है। भाई कमर दर्द हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लूं क्या? काम करो अपना। मेरी पीठ है ना, अगर तेरी होती तो तुझे अच्छी तरह से पता चलता। सर गुड आफ्टरनून सर, बोलिए सर। मिस्टर सिक्स, मैं बहुत खुश हूं तुम यूनिवर्सिटी में फिर से फर्स्ट आए हो। मैं सच कुछ कह नहीं सकता कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, तुम अभी इधर आ जाओ। सुनकर खुशी हुई सर, मैं अभी आता हूं। किसने बम फोड़ा है? अबे कोई दिवाली के फटाके जला रहा है। यार मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? मुझे MBA से गोल्ड मेडल मिला है, ये पता चल गया होगा, इसलिए वो लोग फटाके जला रहे हैं। तू परेशान मत हो। थोड़ी देर पहले जो फोन आया था, पढ़ के तो गोल्ड मेडल लिया है ना, कोई गलत काम करके थोड़े लिया है, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए ना। अरे मैं क्या तुझे इसी काम का दिखता हूँ? तू तो बहुत बड़ा गलतान निकला है। इस अवार्ड फंक्शन में शामिल होने वाले सभी अभिभावकों और छात्रों का स्वागत करता हूँ।
इस साल के एग्जाम में पास होने वाले सभी छात्रों को पूरा हिंदुस्तान बधाई दे रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहले नंबर पर आने वाला छात्र वो है शारदी MBA। सभी को मेरा नमस्कार। ये मेडल जो मुझे मिला है इसका असली हकदार मैं नहीं हूं, इसका असली हकदार तो हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब हैं। मैं उन्हें यहां बुलाना चाहता हूं। आइए सर। आज ये गोल्ड मेडल शारदी को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे है क्योंकि आप लोग तो इसे स्टेज पर देख रहे हो, लेकिन मैंने तो नमस्ते, मेरा नाम शारदी है, मेरी माँ का नाम अनल नामगी है। साइकिल वाला बोला था कि आपको कोई पेपर डालने वाला चाहिए, इसीलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें साइकिल चलाना आता है? मुझे बैलगाड़ी चलाना आता है। आजकल के लड़के कितने शरारती हो गए, कैसे जवाब दे रहा है। ए, साइकिल पर पेपर लेकर जाना होगा। अगर तुम्हें साइकिल चलाना आता है तो सुबह 5 बजे दुकान पर आ जाओ, समझे? हाँ ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? उठ जाओ। हाँ उठ जाओ। अरे तुमने झूठ क्यों बोला? रास्कल, साइकिल चलानी आती है? सर मैंने कहा था साइकिल चलाना आता है, चलाता हूँ नहीं कहा था। सुबह 5 बजे तक जाना है, तब तक सीख लूंगा, मुझे भरोसा है, मुझे इस काम की जरूरत है। गुड। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 3री पढ़ाऊँ। आगे क्यों नहीं पढ़ा? पैसे नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। बचपन में बैल के सिंह से पिताजी की मौत हो गई, फिर मेरी माँ मुझे और मेरी बहन को लेकर मद्रास आ गई। सर आपके पहचान का कोई स्कूल हो तो मुझे 4थी में दाखिला दिला दीजिए, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज सर। मैंने इसके लिए गार्डियन के तौर पर सिर्फ एडमिशन के लिए साइन की, बाकी सब कुछ अपनी मेहनत से इसने खुद कमाया है। हर साल मैं इसे सिर्फ एक पेन दिया करता था जो ये फाइनल एग्जाम में इस्तेमाल करता। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये होनहार बच्चा शारदी 100 साल जिए और ज्यादा से ज्यादा शोहरत हासिल करे। इसके लिए मेरा आशीर्वाद इसके साथ है, धन्यवाद। मिस्टर शारदी, सर इस अवसर पर कुछ और भी आप बोलिए। ठीक है सर। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, वो चाहे तो आसमान में भी छेद कर सकता है, पर सबसे खास बात यह है कि वो कभी भी अन्याय के रास्ते पर न चले। ये तय है कि सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें तो बहुत आएंगी, पर उनसे डरना नहीं है ना कतरा के निकलना है, बस हिम्मत के साथ डटे रहना होगा। यही हमारे वेदों में, यही हमारे संस्कारों में, यही हमारी परंपरा है, यही हमारा विश्वास है और इसी पर हमारी आस्था भी है। इसी से हमारा समाज बना है और इसी से इंसानियत का जन्म हुआ। अगर इंसानियत को बचाना है तो अच्छाई को बचाना होगा, इसीलिए मेरी प्रार्थना है सच्चाई की राह पर चलो, सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। मिस्टर रेड्डी, अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और हमें भी परेशानी हो। आज से हमारी इंक्वायरी खत्म हो रही है, हमें जल्दी जवाब दीजिए। आपको पुलिस के हवाले किया जा रहा है। चुप क्यों हो, जल्दी से जवाब दो। टाइम क्या हुआ है? 11 बजे हैं। और आधा घंटा है। क्या मतलब? 11:30 बजने के लिए। कांग्रेस
कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, वो गोल्ड मेडल पाने वाला, कॉलेज में फर्स्ट आने वाला, वो महान कौन है? वो दार्शनिक, महाज्ञानी, बुद्धिमान कौन है? चाहे जो भी हो जाए लेकिन मेरा नाम मत लेना। देख कभी मत बोलना कि गणेश की वजह से तू पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया है। कुछ भी बोलते रहता है। ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। अरे आप क्या हुआ यार? ठीक है जा, पर मेरा पेन दे जा। सॉरी, ये ले अपना पेन, लेकिन ये मुझे गिफ्ट में दे दे। गाड़ी में एक लड़की लेना आएगी, उसे लेकर आ जा। लेडी लेडी ले आ। लीना, ये लीना क्या भला है? लीना, मैंने इस लड़की को पढ़ाना चाहा लेकिन मुझसे पहले इसने पढ़ा लिया। चलो ठीक है, चलेगा। डियर कॉलेज हम करके आ जाएंगे। ए ए कौन अंदर? कौन है? ए ए छोड़ 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 मुझे। हाय, आई एम लीना, तुमसे फोन पर बात। आवाज से पहचान गया था। अच्छी आवाज है तुम्हारी। ये सब मेरे कलीग्स हैं, नटराज, इस्माइल, जेवियर। हाय 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 हाय। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम तीसरी मंजिल पर जा सकते हैं? वहाँ शोरगुल नहीं होगी और हम फ्रेश इंटरव्यू ले सकते हैं। प्लीज सर। मुझे कोई एतराज नहीं, आप आराम से चल सकती है। शैल वी मूव? चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी, yes. इन लोगों को आप नीचे ही रहने दीजिए, जब आप टीवी में आएंगे तो कुछ और ही सरप्राइज होगा इनके लिए। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा तुम लोग यहीं रुको, बाय बाय, कम ऑन लेट्स गो। इसे तो मैंने कभी टीवी पर नहीं देखा। कोई नई लड़की होगी। हाय हाय। आपका बात करने का स्टाइल, चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। हाँ, क्या हुआ? पेन, कम ऑन, कम ऑन, फास्ट। सुनो, ग्राउंड में काला कपड़ा डालो। यू आर रियली ग्रेट, आप तो पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हैं। वाओ। लीना, सर को यहाँ आने के लिए बोलो। हाँ, आई एम रेडी। थोड़ा टचअप करवा लीजिए। आई एम ऑलवेज फ्रेश। ओके, रेडी। गणेश वैन के अंदर है, जाकर उसे बचाओ। पकड़ो इसे, पकड़ो। चलो, गाड़ी, गाड़ी ले लो, चलो ऊपर, चलो। पकड़ो इसे। I'm okay. सर्दी। बता, जल्दी बता। मैं उसे जगह ला लूँगा। रेडी ने भेजा है। किसके लिए काम करेंगे? बता। बता नहीं तो तुझे मार दूँगा। रेडी ने भेजा है। तोड़ दो गेट।
तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो, लेकिन हम लोग शारदी के प्यार के लिए मर मिटते हैं। आपसे मिलने के लिए कोई आया है? तू ही नहीं रेडियार, दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो मुझे आसमान से भी गिराओगे तो मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा से न्याय का साथ देता आया हूं। रेडियार, इस गलती के लिए तो तुम सिर्फ जेल में ही पहुंचे हो, आगे से गलती करोगे ना तो इससे भी बुरा हाल होगा। सुन, बुरे काम बंद कर दे, क्योंकि मैं अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा हूं। मुझे बुरा बनने के लिए मजबूर मत करना। रेडियार, याद रखना मेरी बात। Happy birthday to me. Oh no, लेट हो गया, सब वेट कर रहे होंगे। Okay, come. अरे साइड में हटो। इधर आ, हम लोग गिफ्ट लेकर आए हैं और यहाँ खड़े हैं। तू खाली हाथ आया है और अंदर घुसे जा रहा है। गणेश खाली हाथ आया या कुछ लेकर आया, देखते रहो। हाय सतीश। हाय। औरों की तरह केक खा करके मैं गिफ्ट देने के लिए नहीं आया हूँ। कॉलेज में सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे अब बस करना यार, आपके नाम हैप्पी बर्थडे। फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बाप रे, कंट्रोल कर ले गणेश। ओके, सी यू। हाय सुचि, तुम्हें एडवांस में हैप्पी बर्थडे। अबे सुन, अगर ये गणेश प्लेन में आएगा तो अभी प्लान बना कर ही आएगा। चलो जल्दी करो, केक काटो। थोड़ा वेट करो, एक वीआईपी आने वाला है। कौन है? माय शारदी। ओहो, एक फोन कर दो, आ जाएगा। नो नो, तुम लोगों के बुलाने पर आता है, लेकिन शारदी मेरे यहाँ बिन बुलाए आएगा। बिन बुलाए आएगा? वो बाइक पर आएगा। स्टॉप। बिन बुलाए क्यों आए? ए सुचि, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं, जया का बर्थडे आज। मुझे पता है, पर उसे तुझे बुलाया क्या? नहीं। अगर नहीं बुलाया तो क्यों आए? तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? ए, जया और मेरे बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, बुलाने की क्या जरूरत है? हटो। हाय 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 हाय। गणेश गाड़ी स्टार्ट करो। तूफान की तरह आता जाता रहता है तो गाड़ी स्टार्ट क्यों रखूं? हाय जया। हाय। विश यू अ हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। ओके, इस लेटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसे पढ़ने के बाद मुझे जवाब देना। ओके फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। बाय 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 सुचि, बाय सी यू। कवर फाड़ कर देखो क्या है। कोई भी इम्पोर्टेंट बात सबके सामने नहीं, पर्सनली पढ़ी जाती है। ओके। शारदी। हाय जया, एक गुड न्यूज। व्हाट? जल्दी से अपना सामान बांधकर तैयार हो जाओ। क्यों? तुमको और तुम्हारे कैमरे को इंडिया टुडे में काम मिल गया है। वाओ! मंथली सैलरी 9000, यही मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ओके, क्लिक क्लिक। थैंक यू। क्या है इसमें? द लेटर, टिकट्स, जस्ट 34 सिनेमा टिकट्स, एल्बर्ट थिएटर, ऑल नाइट शोज। हम सभी जा रहे हैं क्या? नो नो नो, बालकनी के सारे टिकट्स हमारे ही है, और पता है सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। पर्सनली 10:30 पर मूवी स्टार्ट होगी और फिर हमारी बातें भी। ये सारा सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इंट्रोड्यूस करवाया ना, किसे बोला था? केरला की है, जादू करवाया ना उसने। जादू किया तो क्या, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? हाँ बोलो सुचि। तुम लोग मूवी देख रहे हो ना?
हाँ देख रहे हैं। मुझे सब पता है। पता है ना, तो पूछ क्यों रही हो? मुझे पूछे बगैर नहीं रह जाता ना। ठीक है तो पूछो। क्यों ऐसे होते जा रहे हो? ए, ये मेरा घर है, यहाँ मैं कैसे भी रहूं? तुझे इससे क्या? तुम घर पे हो? मूवी देखने नहीं गए? मूवी देखने? ए सुची, आखिर क्या हो गया तुम्हें? ये क्या पूछने लगी? वो जया तो बोल रही थी। क्या कह रही थी? मैं मूवी जा रहा हूँ। क्या वो झूठ बोली मुझसे? ऑफ कोर्स झूठ बोली। रुक रुक रुक, तुझे कैसे पता? ए, तूने तो इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ मैंने किया। तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? सूची को छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ? और कुछ? और कुछ नहीं, इतना ही काफी है। तो फोन रख दूं? शारदी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तुम कुछ बोलो ना। ये बताओ, वो हाइब्रिड रोज का क्या हुआ? कौन सा? ए, भाई जो 3 महीने पहले बॉटनिकल गार्डन से लेकर आई थी। शारदी, एक मिनट रुको। अरे सुनो, चश्मा पहन कर तो जाओ। गॉड, व्हाट अ मिरेकल, मैं ही भूल गई। तुम्हें कैसे याद रहा? तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। जो चीज मुझे पसंद आती है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैंने जो गमला खरीदा तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना? हे, कुछ और बताओ। तुमने बुक खरीदी, एग्जाम में 0 लेकर आई, मुझे सब कुछ याद है। ये तो मेरी आदत है यार। अच्छा ये बताओ, सबसे पहली बार तुमने मुझे कहाँ देखा बताओ? 6 साल पहले, याद करो। कॉलेज के पहले दिन जब अच्छी तरह सच समझ कर तुम कॉलेज ड्रेस में हाथ में बुक लेकर आ रही थी। एक्सक्यूज मी, 11वीं की क्लास किधर है? उस दिन हमने पहली बार बात की। चेन्नई, मुंबई, दुबई, मद्रास, पुणे, सब जगह से। क्या हुआ? लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। देखो माँ, शारदी के लिए बाहर से इतने सारे ऑफर्स आए हैं, इनमें से सेलेक्ट कर लो। तू चुप रह, शारदी को देखे बिना मैं एक दिन नहीं रह सकती। मद्रास से भी इतने ऑफर्स आए हैं, वो कहीं नहीं जाने वाला। मैं भी सोच रहा था कि शारदी के साथ कहीं बाहर कमाने जाऊं। लो माँ जाने नहीं दे रही है। कौन है यार जो बार बार घंटी बजा रहा है? क्यों रे, किसके साथ बात कर रहा है तू? सर, अरे माँ जी ठीक है ना? हेलो बेटी, कैसी है तू? भैया। सर आप यहाँ पर कैसे? मुझे फोन कर दिया होता मैं आ गया होता। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? अरे नहीं सर, बैठिए ना, मैं अभी आता हूँ। सर के लिए बिना शक्कर की कॉफी। ठीक है। अरे गणेश सर, तुझे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है क्या? सर मेरी तो आगे पढ़ने की बहुत ही इच्छा है, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है? सेलेक्ट नहीं होता, कभी सेलेक्ट नहीं होता। सर आगे अच्छा होता है तो पीछे बुरा हो जाता है, राइट साथ देता है तो लेफ्ट छोड़ देता है। ऐसे में कैसे पास हो सकता हूँ सर? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। मैं रात भर जितना पढ़ता हूँ सुबह भूल जाता हूँ। सर विदेश में इसका कोई इलाज हो सकता है क्या? हो सकता है सर, बताइए ना। एक अनजान जगह पर अगर मेहनत से पढ़ोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अभी तक नहीं बदले सर। ये सब क्या है? ये सारी कंपनियों की ऑफर्स है शादी के लिए। क्यों भाई, छोटी से लेकर बड़ी कंपनी सारी ऑफर्स आई हैं। क्या डिसाइड किया है तुमने? अभी तो देखे ही हैं सर, कुछ डिसाइड नहीं किया। मैं कुछ एडवाइस दूं अगर बुरा ना मानो तो? सर आपको एडवाइस देने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ ऑर्डर कीजिए। मैं एक ऑफर लेकर आया हूँ, अलगप्पा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जीएम के पोस्ट की ऑफर। मेरी कंपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है। सर आपकी कंपनी नहीं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। मां अलगप्पा कॉलेज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ट्रेवल्स, ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन सब को चलाने का और इनको कंट्रोल करने का सारा पावर आज से मैं शारदी को देता हूं। आज के बाद इस कंपनी के सारे भविष्य के सारे निर्णय हमारे नए जीएम शारदी लेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड लक सर। व्हाट सर? गुड लक बोला मैंने। नहीं, इसके बाद भी कुछ बोला आपने? वो तो आपके पोस्ट के लिए दिया हुआ रिस्पेक्ट है। अभी तो सिर्फ कंपनी का मैनेजर बनाओ, अगर प्रेसिडेंट भी बन जाओ ना तब भी आपके लिए स्टूडेंट ही हो। मैं चाहे जितना भी बड़ा बन जाओ आपके लिए तो छोटा ही रहूंगा, क्योंकि मेरी तरक्की के जिम्मेदार आप ही हैं। कौन सर? ऑफिस जा रहा हूं। सिर्फ मेंबर ही अंदर जा सकते हैं। मैं भी यही काम करता हूं। पर पोस्ट कौन सी आपकी? मैं यहां का जीएम हूं सर। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आप इतने सिंपल दिखते हैं जी। क्यों, जीएम का कार से आना जरूरी है, स्कूटर से नहीं आ सकता?
तो बहुत अच्छा है। बाहर चले थोड़ा सा लगता है। सुन जीएम साहब को देखा चला बाहर। अरे ये लोग भी लेट करते हैं, हमेशा खाने के लिए बहुत लापरवाह करते रहते। हेलो मैनेजर स्पीकिंग। तुरंत मिल को बंद करके स्टाफ को बाहर आने के लिए कहो। क्या हुआ सर? डू इट। अरे तुम क्या कर रहा था? समझ नहीं आ, मेरी बात मानता है ना? सबको नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है शारदी, इस कंपनी का नया जीएम। 8 बजे कंपनी का काम शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि कोई कैंटीन में बैठकर चाय पी रहा था, कोई साइकिल स्टैंड पर पेपर पढ़ रहा था, तो कोई गेट पर खड़ा होकर गप्पे हांक रहा था। क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि 10-20 मिनट लेट पहुंचने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, आप सब लोगों का आधा घंटा मिलाकर कितना टाइम होता है पता है? हर एक आदमी का एक दिन का आधा घंटा, एक महीने का 15 घंटा और साल भर का 108 घंटा होता है। इतने आदमियों के 108 घंटे से कंपनी का कितना लॉस होगा जानते हैं? पूरा पूरा 30 लाख। अगर आप ठीक समय पर आएं, ईमानदारी से काम करें, कंपनी का फायदा होगा, आपकी पेमेंट बढ़ेगी। सर नमस्ते, मेरा नाम है बेंजामिन, यूनियन लीडर। सर लेट आएंगे तो हमारी नौकरी जाएगी, हमें लगा आप ऐसा बोलने वाले हैं। सर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आज से समय पे आएंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, कंपनी अब लॉस में नहीं जाएगी सर, आज से हम वादा करते हैं। गुड। टाइम हो गया, चलो। तुम्हें इस जगह पर देखकर आश्चर्य हो रहा है मुझे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं यहाँ अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। 4 आदमियों के लिए यहाँ पर एक फैन है और पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है समय जल्दी नहीं गुजर रहा है। शेखर तुमने आज का पेपर पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। क्या पढ़ा? अफगानिस्तान में भूकंप आया और 1000 लोग मारे गए हैं। ये देखा तुमने? यहाँ देख, सारदी के लिए कितनी बधाइयाँ आई हैं। अगली बार इसी अखबार में उसके मरने की खबर छपनी चाहिए, समझ गए? समझ गया ना? वो क्या है कि भाई मैं शहर के सारे गुंडों से बात कर चुका हूँ। भाई क्या बोला? जब से शारदी तुम्हारे घर में घुसा है तब से डरने लगे हैं शहर के सारे गुंडे। मैं गुंडों को ज्यादा पैसा देने को भी बोला। आधे तो शारदी के नाम से ही डरकर भागते हैं और बाकी के वार करने से डरते हैं। ये सारी बातें सच है भाई। हे वकील, तू क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जान ले मुझे किसी तरह से बाहर आना है, उसे अंदर भेजना है, शारदी को जमीन के नीचे दबाना है। रात रात भर जाग के मेहनत करके वो पैसे कमाता है, तुझे पढ़ने के लिए पैसे देता है, और क्या करे वो? माँ क्या कर रहे हो? 2 घंटे से मेरा फोन बंद था, मेरा कोई फोन तो नहीं आया ना? फोन यहाँ पर होगा तो आएगा ना? इसने खाना खाया? सब मुझसे पूछती है क्या? भूख लगेगी तो खा लेगी। हेलो, हेलो हेलो, कौन चाहिए? बोलो लॉरेंस। हेलो भाई, मैं तो बहुत देर से हेलो बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? अभी फौरन घर आ जाओ। मैं तो यहीं घर के आसपास हूँ। तुम 10 मिनट के अंदर मेरे घर आ जाओ। तू छोटे से छोटा काम भी करता था तो मुझसे डिस्कस करके किया करता था, इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? भाई भैया, उसने तो कहा था कि हम सब बता देते हैं, पर मैंने ही मना किया था उसे। तुझे पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, मैं कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढती। और तुम, तुझ पे कितना भरोसा किया था मैंने कि शारदी का बहुत अच्छा दोस्त है, पर तूने तो मेरा पूरा भरोसा ही तोड़ दिया। क्यों किया तूने ऐसा? माँ,
तुम दुखी क्यों होती हो? माँ बाप भाई बहन ये सारे रिश्ते इंसान नहीं बनाता, ये तो ईश्वर ऊपर से बनाकर भेजता है। केवल दो ही रिश्ते हैं जो इंसान खुद बनाता है, एक है फ्रेंडशिप और दूसरा है प्यार। इसने भी अपना प्यार ढूंढ लिया है। मां, लॉरेंस पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अच्छा इंसान है, कम से कम 1000 रुपए तो रोज कमा ही लेता है। क्यों मां, लुंगी पहनने वाला जेंटलमैन नहीं हो सकता क्या? मेरा दोस्त जेंटलमैन है मां। इस जेंटलमैन की और मेरी बहन की अगर शादी हो जाए ना तो ये दोनों बहुत खुश रहेंगे। तुम हंस दोगे तो मैं हां समझूंगा। हंस दो ना मां, प्लीज प्लीज। ओके, इसका मतलब मिल गया, ग्रीन सिग्नल। मां एक बात पूछूं? तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। मां तुम्हारी अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। ए मां, कितने साल गुजर गए हैं लेकिन तुमने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगा। मां अब हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, तुम जो भी कहोगी ना मैं उसे पूरा करूंगा। बोलो ना मां। तीर्थ स्थान पर जाना है? ऑल इंडिया टूर पर जाना चाहती हो? या अगर तुम किसी की हेल्प करना चाहती हो तो भी बताओ। तुम कहो तो सारा दिन सारे काम धाम छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं। दिन भर प्लेन में घूमना चाहती हो क्या मां? बस और कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है बेटा, तू है मेरे पास, बस यही मेरे लिए काफी है। तू और तेरी बहन हमेशा खुश रहें, बस यही मेरी देवी माता से प्रार्थना है बेटा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओहो माँ, मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 27 साल। कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है। एक बात कहूं मां, तुम्हारा आशीर्वाद रहा ना तो 100 साल तक जीऊंगा। हाँ जरूर जिएगा बेटा। सोच रही हूँ कि कल ही मंदिर चली जाऊं और वहाँ के सारे जानने वालों को शादी का इनविटेशन देके उन लोगों को यहाँ बुला लूं। अब सारी तैयारियां भी तो करनी है। ओके, शादी में जरूर आना। हाँ साहब। बेंजामिन। सर 3000 कार्ड क्यों दे रहे हैं? एक कार्ड नोटिस बोर्ड में दे देते, हम सब लोग तो आ ही जाते ना। नोटिस बोर्ड पर लगती है इन्फॉर्मेशन, हाथ में दो तो कार्ड होता है। तुम सबका शादी में आना बहुत जरूरी है। ओके? सर ये तो हमारे घर की शादी है, हम लोग शादी में जरूर आएंगे। सर, आपको कोई मिलने आया? हाय जया, व्हाट अ सरप्राइज। क्यों ऑफिस में गई तुम? तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हाफ डे लिया, छुट्टी लेकर तुमसे मिलने आ गई। ए, ये तो रिंग है। साथी अपना हाथ बढ़ाओ। मेरे लिए? यस। मुझे तुम्हारी छठी उंगली बहुत पसंद है। हे जया, इट्स सो नाइस। सारदी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हे जया, प्यार और मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? हाँ। ए, ये तुम्हें आज क्या हो गया? सारदी, मैं हमेशा खुद के सामने सबको नीचा दिखाती रही, वही मैंने सूची के साथ किया। सूची को जलन हो इसलिए, लेकिन धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगी। मुझे लगा कि सूची तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन अभी पता चला कि सूची भी तुमसे सचमुच प्यार करती है, और वो तुम्हारे प्यार में इस कदर खो गई है कि सबसे अलग रहने लगी है। सादी, और एक बात कहना चाहती हूँ, सूची भी तुम्हारी तरह एक अच्छी लड़की है। तुम सूची को कितने दिन से जानती हो? 1 साल से। मैं 6 साल से सूची को जानता हूँ, मुझे पता है वो वैसी लड़की नहीं है। शारदी, बिजी हो क्या? क्यों आंटी? थोड़ा टाइम निकाल के घर आओगे क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या आंटी? यहाँ आओगे तो बताऊंगी। तुमने तो ना बोला था लेकिन अब यकीन हुआ? मैं फोन की नहीं सूची के प्यार की बात कर रही हूँ। शारदी, मैंने तुम्हें फ्रेंडशिप रिंग पहनाई है, लेकिन सूची से तुम्हें शादी करनी होगी, प्लीज। जब देखो अकाउंट्स में ही घुसे रहते हो, कभी घर का भी ख्याल किया करो।
आओ शारदी, 3 दिन से सूची अपने रूम में है, हमसे भी नहीं मिली। ये भी हो सकता है उसे किसी ने कुछ बोला हो, जाकर पूछो शारदी। सूची? ए, सूची। नहीं, मेरे नजदीक मत आना, मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकती। सूची, सूची, बी फ्रैंक, क्या प्रॉब्लम है? तू हमेशा मुझे हर चीज में हेल्प करते आया है। जब कभी भी झगड़ा होता था तभी तुम ही कॉम्प्रोमाइज करते थे, हमेशा। मुझे क्या चाहिए ये तुझे ही ज्यादा मालूम होगा। इन 6 वर्षों में आजकल तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए हो, बताओ मैं क्या करूं? अगर सच कहूं तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देती हूँ। सॉरी, सॉरी। सालों में मैं अब तुझे अच्छी तरह से जानने लगी हूँ। इतने साल से मैंने सिर्फ फ्रेंडशिप रखी, पर अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शारदी, ए लड़की, तुम मुझे कुछ काम करने देगी कि नहीं? अरे मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, चल हम शादी कर लेते हैं, लेकिन अभी योगा तो करने दे प्लीज। मैं खुजा रहा हूँ, यही ना जेल में था, वहाँ कीड़े मकोड़े काटे हैं, वही खुजा रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। शेखर, एक काम करो, बड़े बर्तन में पानी गर्म कराओ, अच्छी तरह से नहाना चाहता हूँ मैं। समझे? क्या भाई, घर में आते ही नहाने की बात कर रहे हैं? तो क्या हुआ, घर से पैसा लूट के ले जाए या इंसान मर जाए, दोनों एक ही हुआ ना, आखिरकार चोरी ही कहलाएगा ना। बोलो साहब, खाना क्या बना है? देखो भाई, चिकन मुझे बहुत पसंद है, आज चिकन बनाओ। बनाता हूं साहब। आज कुछ अच्छा खाने का मन है। क्योंकि मैं फिर से जेल जाने वाला हूं ना। क्या देख रहा है रे, मैं किसी को जान से मारने जा रहा हूं। अब मैं शंख बजाऊंगा उस शारदी का, अब वो नहीं बचेगा। अगर खुशी मन से हाथ में हथियार उठाया तो उसको टैलेंट ही बोला जाएगा, अगर गुस्से से उठा तो कत्ल, अवश्य ही सारथी का कत्ल होगा। सुन ले, सारथी का बलि देने वाला हूं,
मारूंगा या तो मर जाऊंगा। शारदी कैसा है? भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से शारदी अच्छी जिंदगी जी रहा है। कुकर की सीटी बज रही है, जाकर देखो पार्वती। हाल ही में इसे गोल्ड मेडल भी मिला है और वो पेपर में भी छपा था। हाँ, शारदी की उम्र क्या होगी अभी? अगले महीने 27 साल का हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? समय कितना जल्दी ही बीत गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। पार्वती, आप लोग हमारे घर शादी में जरूर आइएगा बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। अच्छा, चलते हैं। हाँ, इतने दिनों के बाद आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। चलती हूँ। संभल कर जाना। ठीक है। इतने वर्षों के बाद भी वे लोग हमें भूले नहीं। इस शादी के अवसर पर हम लोग जरूर मद्रास जाएंगे। आप सुन रहे हैं ना, हम वहाँ जरूर जाएंगे, है ना? सुन रहे हैं ना आप, जाएंगे ना हम वहाँ? नहीं। क्यों? ये शादी नहीं होगी। ऐसी अशुभ बातें क्यों कह रहे हैं? ये मैं नहीं, भगवान स्वयं उसके किस्मत में लिखकर भेजे हैं। शारदी की जिंदगी पूरी हो चुकी है और वो इस दुनिया से जाने वाला है। शादी से पहले ही शारदी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। हेलो आंटी, इतनी लेट? मैं तो रात के 2 बजे आ गई शारदी। क्या बात है शारदी, तू तो आज बहुत खुश लग रहा है। लाइन मत मारो आंटी। आज बहन की शादी है ना, इसलिए इतना खुश दिख रहा है। नहीं, बात कुछ और ही है, इसका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। क्या तू किसी से प्यार करता है? अरे ठीक है, मत कीजिए आंटी। नमस्ते आंटी। कैसे हो बेटा? हेलो सर। हेलो। तुम लोग लॉरेंस के दोस्त हो ना? हाँ। मनोज? हाँ भाई। ये लोग लॉरेंस के दोस्त हैं, इन्हें अच्छी तरह बिठाकर खातिरदारी करो। ठीक है। ओके सर, आप जल्दी से आ जाइए। मैं अभी आया। हाय बच्चों, इस ड्रेस में तुम लोग कितने अच्छे दिख रहे हो। जाओ, जाकर खेलो। सुबह सूची को फोन किया था लेकिन वो शादी में नहीं आ रही है। वो सोच रही है कि अपनी दोस्त की बहन की शादी में जाऊं या अपनी बॉयफ्रेंड की बहन की शादी में जाऊं। दोस्त बनकर भी और फ्रेंड बनकर भी आना होगा। जया की फ्रेंड और मेरी लवर बनकर। मैंने फैसला किया, वही मेरी वाइफ बनेगी। डिसाइड तो मैंने कर लिया है, बस डिक्लेयर करना। बिजी था, मैंने तो गिफ्ट लेकर भी रख लिया। रियली? रियली? संभाल के यार, सूची का है। शादी? सूची की कार आ गई। हेलो, वेलकम वेलकम आंटी, वेलकम। हेलो अंकल। आंटी, सूची कहाँ है? मैंने तो उससे कहा लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो हम लोग ही चले आए। ए, तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? सच सच कहना, अपनी आंटी को नहीं बताएगा? सूची आएगी सासू जी, लेकर आना पड़ेगा। ए, क्या बोला तुमने? बोलो बोलो। अपने दामाद को इज्जत से बुलाना चाहिए। आप अंदर जाइए, आपके पति इंतजार कर रहे हैं, मैं अभी सूची को लेकर आता हूँ। हेलो मैडम, शादी में नहीं आएंगी क्या? मैं कैसे आऊँ, मेरी समझ में नहीं आ। मेरे घर आने के लिए कई रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आ सकती हो। मैंने उस दिन पूछा था ना कि दोस्त बनकर आऊँ या। तुम ना फ्रेंड बनकर आओगी और ना गर्लफ्रेंड बनकर आओगी। तुम अगर मेरे घर आओगी तो वो सिर्फ मेरी वाइफ बनकर आओगी। क्यों? बिल्कुल नहीं आऊंगी। ए, मुझे यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। मैं ऐसे नहीं आऊंगी, तुम्हें यहाँ आकर मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। सताओ मत सूची। मैं कुछ नहीं सुनूंगी।
अब तो तेरी वाइफ हो ना, अब तो और सताऊंगी। हाँ सोच। तुम स्कूटर पर कहाँ जा रहे हो? मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसके लिए यही सही है। जया ये कैसे संभाल कर रखना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और ये okay, किसी को देना मत। जल्दी जाओ, गो 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 गो, बाय, विश ऑल द बेस्ट। सर शारदी स्कूटर पर कहीं जा रहा है, अब हम क्या करें? मेरे घर पर आ जाओ। शारदी कहाँ गया? ही इज गोइंग टू हेवन। वो स्वर्ग पे जाके परी को लेके आ रहा है। शारदी को इस रोड पर ही कुचल देना। राइट में जा रहा है वो। चल जल्दी, चल जल्दी, चल। जल्दी कर। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। रोको। अरे जल्दी ले पीछे गाड़ी को, चल जल्दी चल। अरे रोक गाड़ी। अरे रे रे, अरे क्या कर दिया तूने? हो हटाओ, जल्दी हटाओ, चलो ड्राइवर। तू कितना लकी है रे, रोड को छोड़कर सीधा मरने के लिए कब्रिस्तान में आ गया। शारदी, तुझे टुकड़े टुकड़े काट करके, तुझे यहीं दफना करके, फूल माला चढ़ा करके, तेरे लिए रोकर ही यहां से जाऊंगा। Oh!
का इंतजाम है, बोल कैसे मानना चाहता है। ए, तुझे पैसे से बहुत प्यार है ना, इस पैसे के साथ ही आज तुझे जलाऊंगा ले। नहीं। अब बोल नहीं। तुझे कौन बचाएगा बोल, तूने लोगों को लूट लूट कर बहुत पैसा कमाया, देखता हूँ ये पैसा तुझे कैसे बचाता है। डर गया ना, मौत को सामने देखकर डर गया ना, अब तुझे पता चल जाएगा कि मौत को सामने देखकर कितना डर लगता है। नहीं, मुझे मत मारो, अब मैं गलती नहीं करूंगा, कहो तो मैं शहर छोड़कर ही चला जाऊं। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। क्या तूने कभी माँ बहन के प्यार का महत्व समझा है? क्या कभी दोस्तों के साथ रहा है तू? क्या कभी किसी के साथ प्यार किया है तूने? क्या कभी किसी दोस्त की किसी खुशी पर खुश हुआ है तू? क्या कभी योगा किया है, ध्यान किया है तूने? क्या कभी कोई अच्छा काम किया है तूने? कभी किताबें पढ़ी है, कभी म्यूजिक सुना है? सिर्फ गलत रास्ते पर चलता रहा और पैसे कमाता रहा तू। बोल ना, अब चुप क्यों है? मैंने अच्छा काम किया इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं जिस तरह चाहता हूँ वैसा ही जीता हूँ। मैं 100 साल तक शान से जीना चाहता हूँ और मैं जी कर रहूंगा। क्या होगा, क्या होगा हाँ? अगर मैंने तुझे मार दिया तो बता क्या होगा, क्या होगा बता? तेरे जैसे इंसान को मारकर मैं जेल में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता। ए, जानता है भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा? क्या इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करें? उसने हमें प्यार करने के लिए भेजा है। अरे एक न एक दिन तो हर इंसान को मरना ही है, फिर झगड़ा किस बात का है? अगला जन्म मिलेगा कि नहीं कौन जानता है, कोई नहीं जानता। तो फिर सबके साथ मिलकर प्यार से जीने में क्या प्रॉब्लम है? सबको एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, या तो अच्छाई के साथ अच्छा बनकर जियो या बुराई के साथ बुरा बनकर जियो। अपनी जिंदगी का फैसला इंसान खुद ही करता है। मैं अच्छा हूं इसलिए मेरे साथ अच्छा होगा और तुम बुरे हो इसलिए बुरा होगा। मेरा किया हुआ मेरे साथ जाएगा और तुम्हारा तुम्हारे साथ। देखो अब भी तुम्हारे पास समय है, अगर बदल सकते हो तो अपने आप को बदल लो। अरे बदल भी जाओ यार, मैं हमेशा बड़ों की इज्जत करता आया, लेकिन तुम्हारे साथ जो करना पड़ा उसके लिए अफसोस हो रहा है। मुझे माफ कर देना रेड यार। कल सुबह मेरी बहन की शादी हो रही है, साफ दिल से आना और उसे आशीर्वाद दे देना। चलो, 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 चल
चलो चलो आराम से। हाँ आराम से चलो। हाँ गाड़ी में बैठो। जल्दी चलो, मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, जल्दी चलो। थैंक्स। पहले तुम ठीक हो जाओ फिर थैंक्स बोलना। देखो कितना खून निकल रहा है। मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पकड़ो, पकड़ो इसे। सुनो वो खिड़की बंद करो, वो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, मेरी जान नहीं जानी चाहिए। ब्लड ज्यादा जा रहा है। हाँ डॉक्टर। सारे टेस्ट हो गए हैं क्या? जी डॉक्टर। घर वालों को इन्फॉर्म किया? बस कर रहे। डॉक्टर डॉक्टर ये मेरा 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 बचना बहुत मेरा बचना बहुत जरूरी है डॉक्टर। मेरे डॉक्टर मेरे घर में और कोई नहीं डॉक्टर। मेरा मेरा नाम शारदी है, उम्र 27 साल। मेरी माँ और बहन को मेरी बहुत जरूरत है डॉक्टर। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर सुची सुची ओके डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा सुची, मैं अपनी मम्मी जैसी बनेगी ना। सर्दी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? ये कैसे हो गया? ये तो मेरी आदत है यार, जो चीज मुझे पसंद आती है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुमने बुक खरीदी, एग्जाम में 0 लेकर आई, मुझे सब कुछ याद है। मैंने फैसला किया वही मेरी वाइफ बनेगी, डिसाइड तो मैंने कर लिया है, बस डिक्लेयर करना है। बिजी था, मैंने तो गिफ्ट लेकर भी रख लिया है। रियली सूची को छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ? संभाल क्या सूची का है? शादी नहीं बचेगा। क्या किया
भलाई करता था, फिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों? वो तो इतना अच्छा है, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? हे भगवान, आप भी तो जानते हो कि वो इतना अच्छा है, फिर क्यों हो उसके साथ ऐसा? रोना बंद कर दो। सारदी का जान खतरे में है और तुम यहाँ आकर चिढ़ा रहे हो। सारदी तो सिर्फ घायल है, मरा नहीं है वो। अगर इस तरह से तुम सारे लोग डर कर रोते रहोगे तो वो अवश्य ही मर जाएगा। हमारे दिल में जो होगा वही होगा, ये बात मुझे सारदी ने ही बताया। इस बुरे इंसान को उस सारदी ने एक अच्छा इंसान बनाया। मेरा दिल कह रहा है वो जिएगा, 100 साल जिएगा। वो सारदी तो भगवान है। वो इस दुनिया से बहुत प्यार करता है, वो जरूर आएगा। हम सबको मिलके उसके लिए भगवान से दुआ करनी चाहिए। हमारी दुआ ही सारदी को जिंदा रखेगी। तुम लोगों के रोने से कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर ने कहा है कि वो मर जाएगा। डॉक्टर क्या भगवान है? उसकी दवा भी फेल हो जाएगी। हमारे इरादे उसकी ताकत बनकर उसे जिंदा रखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। सारदी आएगा, वो जरूर आएगा, ये मेरा दिल बोल रहा है। अगर जिसके दिल में भरोसा ना हो वो यहाँ से चला जाए, भरोसा करके उसे पुकारो, सारदी आएगा। सारदे, सारदे,